डॉक्टर उदित राज जी ने बहुत लंबे समय पहले संग्रह शुरू किया। मुझे आज बहुत दुख होता है, उसी की वजह से थोड़ा फीलिंग इस तरह की हुई कि हम उस तरह से उनका साथ नहीं दे पाए। खैर वो समय बीतता गया, डाक साहब ने गाजियाबाद से संघ शुरू किया। पहले पहले उनकी पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर गाजियाबाद हुई थी। मां एक मीटिंग हुई 1991 की बात है, 27 साल हो गए। उस मीटिंग में ये भी आए थे, मैं भी गया था, दिल्ली मैं दिल्ली से गया था। उस मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद डॉक्टर उदित राज जी एक दो साल ही रह पाए गाजियाबाद, जहां तक मुझे पता है, पूरी तरह पता नहीं है, अब याद नहीं रही 27 साल पुरानी बात। फिर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने उस संघर्ष को जारी रखा। खैर मैं समय समय पर तो मिलता रहा, मैं उनके संघर्ष की भूमिका बताऊंगा, दो मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो उन्होंने लॉर्ड बुद्धा क्लब बनाया, उसके माध्यम से बहुत सारे पढ़े लिखे अपने समाज के भाइयों को जोड़ा। हम भी समय समय पर जाते रहे ऐसे तो, जब से लेके आज तक भी, लेकिन उस एक्टिव तरीके से जिससे हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उस तरह का खैर हम नहीं कर पाए जिसको हम आज तक फील करते हैं। फिर प्रसंग बना 1997 में प्रसंग। उसके बाद मूवमेंट आगे चला, संघर्ष आगे चला। डॉक्टर उदित राज जी ने पूरा अपने को झोंका, जहां तक मैं समझ पाया 27 साल में, और उन्होंने पूरा समाज को समर्पित किया और संघर्ष में हम भी साथी रहे उनके हमेशा। लेकिन हम कुछ समर्पित अपने को पूरा नहीं कर पाए, पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा ये मन में मलाल रहा कि भाई जब ये समर्पित कर सकते हैं समाज को, भाई ये भी छोटी जगह से उठ के आए, पढ़ाई लिखाई की, अपनी बुद्धिमत्ता से नौकरी हासिल की और उस नौकरी को लात मार रहे हैं, तो ये इनके सामने कठिन परिस्थिति भी हो सकती है फ्यूचर में, कि ऐसी स्थिति आए कि हम अपना पर घर परिवार कैसे चलाएंगे, कैसे पालेंगे। लेकिन वो इन्होंने कभी भी उस चीज को स्मरण नहीं किया, उसकी वजह से ही इन्होंने अपने को पूरा समर्पित कर दिया, तन मन धन से पूरा समाज के लिए समर्पित किया। पूरा समर्पित करने के बाद ये निकल लिए अपने समाज के लिए और पूरे देश में, पूरे देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और तहसील लेवल तक भी चले गए 27 साल के अंदर, और उसमें सारे लोगों को, अपने समाज के लोगों को जगाया विभिन्न विभिन्न तरीके से। और इनके संघर्ष के बीच में हम भी सोचते रहे, हम भी अपने मन से आगे, कभी उन्होंने हमें कॉल किया या कभी हमारे पास घर आए, या हमें कभी कॉल किया तो हम आ गए, या अपने मन से भी आ गए। कभी कभी हम अपने मन से भी ऐसे मिलने चले जाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम का भी पूछने चले जाते हैं कि क्या प्रोग्राम है आपका। तो हम इस तरह से, मतलब हम तो कैजुअली एक तरह से समझिए, पर साथियों हमारा भी मन रहा। हमारे डॉक्टर भाई हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा भी ये मन रहा है कि भाई ये बहुत कर ली हमने भी नौकरी, तो हमको भी, हम क्यों नहीं कर सकते, हम आगे समाज के लिए क्यों नहीं आ सकते। पर हम जो है अभी भी पसोपेश में हैं, इतने साल के बाद भी, जो 27-30 साल पहले जो डॉक्टर उदित राज जी चले गए समाज छोड़ के, अपना घरवार सब छोड़ के, लेकिन हम आज भी पसोपेश में हैं। तो डॉक्टर उदित राज जी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, और जो लोग रिस्क लेते हैं वो ही समाज का कुछ काम कर पाते हैं, और जो रिस्क नहीं ले सकते, जैसे हम जैसे लोग हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
और कभी कभी चले गए, उनके साथ खड़े हो गए या कुछ मदद कर दी, तो वो ऐसी कोई खास बात नहीं है, उससे कोई बात बनती नहीं है पूरी तरह से। तो हमारा भी ये पसोपिस रहा, तो आज मैं आपके सामने थोड़ा भावुक हो गया, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया। भावुक तो हम उनके लिए हमेशा ही होते हैं। खैर, तो इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अब सवाल इस बात का है समाज में कि हमारा पूरा समाज क्यों इनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें अभी और इनके सपोर्ट की जरूरत है, हमें इनके और बैकिंग की जरूरत है, जिससे कि कोई बात आगे बने और जो ये चीज लेके चल रहे हैं। अब ये तो देखो मानने की एक बात है पक्की कि हमारे समाज में और भी लीडर हैं। अभी इन्होंने बताया था 113 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के अंदर, और पूरे देश की विधानसभा में हमारे एमएलएज भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब 113 एमपीज में डॉक्टर उदित राज ही क्यों बोलते हैं पार्लियामेंट में, बाकी के लोग तो नहीं बोलते, तो फिर इसका मतलब 112 हमारे बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। वो बने रहेंगे लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी, जो लीडरशिप समाज को चाहिए बेसिकली, जो समाज की दुख दर्द की, जो परेशानी की, जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें नहीं हासिल हुए हैं, उन्हें दिलवाने के लिए जिस लीडरशिप की जरूरत है, वो लीडरशिप कौन समाज को और देश को दे सकता है। सवाल सिर्फ ये एक है, सिर्फ एक ही सवाल है। अगर वो 112 नहीं दे पा रहे हैं और डॉक्टर उदित राज बात रख पा रहे हैं समाज की, और बाकी की चीजों में भी देख पा रहे हैं समाज की कितनी चीजें हैं, तो फिर लीडरशिप, मेरा ऐसा मानना है कि अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में देश में कोई और दूसरा आदमी लीडरशिप नहीं दे सकता है। अभी के सिचुएशन में कोई और ऐसा लीडर हमें नहीं दिखाई देता है। देखो बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन उन लीडर्स को कम से कम इतनी नॉलेज हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें समझ सकता हो। बहुत सारे जो हमारे लीडर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही पता नहीं है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हम समाज को कैसे काम कर सकते हैं और समाज को कैसे आगे ला सकते हैं और समाज की बात कैसे हम किस प्लेटफॉर्म पर ठीक से रख सकते हैं। सवाल वो है, तो लीडरशिप की क्वालिटी कौन देश में दे सकता है और कौन समाज को लीड कर सकता है सही तरीके से, सिर्फ वही एक सवाल है। अभी कई लोग हमारे भाई हमारे समाज के कहते हैं कि भाई वो बीजेपी में चले गए। भाई बीजेपी में ये थोड़ी अपनी मर्जी से थोड़ी गए। मैं आज भी इनकी इनका पूरा जीवन चरित्र मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि इनके संगठन में जितने लोग लगे, लाखों लाखों लोग, वो इनके जीवन चरित्र को मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, बेहतर नहीं जान सकता। आप ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग आ गए, लाख लोग आ गए, लाखों लोग काम कर रहे हैं। अपने अभी 2-3 लोग बोले भी थे, अपने देखा होगा, लेकिन इनके जीवन चरित्र का मकसद कुछ और है। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को हमारे पूरे समाज को दिलवाना चाहते हैं। ये कोई एक नौकरी, एक सिफारिश ये नहीं करना चाहते, ये छोटे काम नहीं करना चाहते, छोटा काम नहीं करना चाहते, ये पूरे समाज को जो काम इफेक्ट कर रहे हैं वो वाले काम करना चाहते हैं। तो वो वाले काम करने के लिए इनको, अब हमें भी कभी जरूरत पड़ती है तो हम भी जाते हैं, पर डॉक्टर साहब हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपको कसम रख के कह रहा हूं, मुझे विद्या की कसम है, इससे बड़ी कोई कसम नहीं होती है, कोई शिकवा शिकायत नहीं होता इनसे। इसलिए नहीं होता कि ये बहुत बड़े कॉज के लिए लगे हैं। हमारी छोटी मोटी कोई चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस कॉज के सामने। तो इतना बड़ा सोशल कॉज जो ये लेके चल रहे हैं, तो हमारा समाज जब सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा समाज इनको बैकिंग नहीं करेगा, तो लीडर कहाँ क्या करेगा, फिर लीडर क्या करेगा बताइए। इनका बीजेपी में जाने की कोई वजह होगी और वो वजह क्या है, हमारा पूरा समाज है। अगर हमारा समाज पूरा इनके साथ खड़ा हो जाए एज टोटो, तो फिर बाकी के और समाज भी आ जाते हैं, तो फिर लीडरशिप आगे बढ़ेगी, तब तो हमारे समाज का कोई काम होगा। भाई
इन्होंने संगठन चलाया, संगठन तो अभी चला भी रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और पॉलिटिकल पार्टी बना के काफी हमारे भाइयों को लड़ाया भी, आगे बढ़ाया, जो इच्छुक थे कि जो समाज में आना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो समाज का काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाया, उनको टिकट दे के लड़ाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए कि हमारे पूरे समाज ने सपोर्ट नहीं किया। और ऐसी परिस्थितियों में जब उन्होंने देखा कि भाई कुछ तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो कुछ समाज का काम कर पाएंगे, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो कुछ काम तो कर ही रहे हैं, समाज के काफी काम कर रहे हैं, सारे सिफारिश के काम है और दूसरे काम है, पुलिस से बचाने के काम है, किसी को फोन कर देते हैं, किसी को दूसरी चीज कर देते हैं, तो बहुत सारे काम तो कर ही रहे हैं, आज इसलिए कर रहे हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। किस पार्टी से बन गए, क्यों बन गए, उस चीज में हमको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते तो वो काम जो समाज के अभी 3.5 साल से हो रहे हैं हमारे, मैं देखता हूँ इतने सारे लोग आते हैं तो वो कैसे होते, हमारे समाज के लोग इधर उधर ही घूमते, तो इसलिए उनको किसी वजह से जाना पड़ा। पर मैं आज भी कहता हूं गारंटी से, इनकी जो फितरत है, अगर हमारा पूरा समाज खड़ा होके आज भी ये कह देता है कि आप बीजेपी से रिजाइन कर दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बीजेपी से रिजाइन कर सकते हैं, ये शख्स रिजाइन तक कर सकते हैं अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इसलिए मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप किसी तरह से अपनी ये बात रखेंगे, उस बात को समझें और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा आगे आए, फिर हम मैं डिटेल में इनकी सारी चीज कभी बताऊंगा, कभी रखूंगा, बहुत सारी चीजें संघर्ष की, इतने समय का संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष, उस पर पूरी PhD हो सकती है, उस पर थीसिस लिखी जा सकती है कि किस तरह से चले और किन परिस्थितियों में। समाज के किसी भी एक भी आदमी ने इनसे पूछा कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, बताइए, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? अगर कोई हमारा समाज का भाई पूरे समाज को लेके चलना चाहता है, समाज को पूरा काम करना चाहता है, तो फिर वो समाज की जिम्मेदारी है कि उस चीज को भी हम सपोर्ट करें, उस लीडर को सपोर्ट करें, उस भाई को सपोर्ट करें, जिससे वो और लंबा जा सके और अच्छा काम कर सके और समाज के हमारी पूरे दुख दर्द दूर हो सके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।